I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Guys, फाइनली ओपल आ चुका है। जब मेरे को मेरा ये टैंक से मेरा जो मॉन्स्टर्स है आप लोग देख सकते हैं सबको मेरा नया मॉन्स्टर टैंक पे शिफ्ट करना होगा। मैं मॉन्स्टर टैंक ऑलरेडी सेटअप करके आया हूं। आप लोग पहला वीडियो पिछला वाला वीडियो में देखे होंगे, थोड़ा सा दिखाया था जस्ट क्लिप, उसमें शिफ्ट करने का टाइम आ चुका है और इसमें नहीं रहेगा। देखिए मेरा जो आरटीसी लगभग तो नहीं बोल सकता, नियर अबाउट 1 फीट हो चुका है या फिर 1 फीट ही बोल सकते हैं। ऑलरेडी हो चुका है, मेरा ऑस्कर्स भी बड़ा हो रहा है और ये जो टैंक है ये लगभग बोल सकते हैं 2 फीट इंटू 1.5 फीट का है और इसमें नहीं रहेगा क्योंकि 1 फीट लगभग हो गया है। तो मेरा जो नया टैंक है उसका साइज डायमेंशन अभी बोल देता हूँ, वो है 4 इंटू 2 इंटू 2। वो है मेरा नया मॉन्स्टर टैंक। उसके बाद पॉन्ड इन फ्यूचर बनाऊंगा, ट्राई करूंगा, पर अभी जो है मेरे को ये आरटीसी ऑस्कर उसके बाद सार्क है और एक मेरा ईल है, इसे मैं मॉन्स्टर टैंक में शिफ्ट करूंगा। पर ये टैंक खाली नहीं रहेगा गाइस, इसमें क्या करूंगा आप लोग देखेंगे किसी और वीडियो में। पर गाइस आज का वीडियो है मॉन्स्टर टैंक में मॉन्स्टर फिश अर्जेंट ट्रांसफर। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले एक लाइक कर देना और चैनल पर भी नहीं होता सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। चलिए गाइस आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला स्टेप जो है ये बाल्टी में पहले आपका पुराना एक्वेरियम का पानी लेना होगा। तो मैं थोड़ा ले लेता हूँ, बाल्टी भी सामने कर देता हूँ ताकि आप लोग देख पाए। तो मैं पहले उठा लेता हूँ पानी। एक मग गया, ज्यादा आप लोग को नहीं देना है, 1 2 मग 3 मग ऐसा करके दीजिए जिससे आप लोग को लगा आपका मछली जो है ठीक ठाक रहेगा बाल्टी में कुछ देर के लिए। और गाइस यही जो पानी आपको नया टैंक में पूरा दे देना है ताकि थोड़ा बेनिफिशियल बैक्टीरिया रहता है चला जाए। और एक मग मैं दे देता हूँ, मेरे को लग रहा है और एक मग दरकार है क्योंकि बहुत ही कम है मॉन्स्टर के लिए। तो और एक मग मैं पोर कर देता हूँ फिर से। 3 मग्स हो गया और एक और थोड़ा कर देता हूँ तब ठीक रहेगा, और नहीं करूंगा 4 मग ही काफी है। सो गाइस हो गया और दरकार नहीं है पानी का। अब जो आपका मॉन्स्टर फिश को इसमें उठाना होगा तो मैं उठा लेता हूँ। उठाना का तो वीडियो मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि गाइस मेरा फोकस इधर है, तो मैं इधर जब पोर करूंगा वो वीडियो आप लोग देखेंगे। तो पहले मैं अपना ऑस्कर्स लोग को उठा लेता हूँ। गाइस बहुत ही मतलब कूद रहा है ऑस्कर। देखिए ये मेरा ऑस्कर है, लोकल ऑस्कर, पर इसका साइज आप लोग देख सकते हैं मैसिव साइज हो गया है बहुत ही कम टाइम में। आप लोग इसका अनबॉक्सिंग वीडियो मेरे चैनल में देख सकते हैं। बहुत ही मतलब कुछ दिन पहले लाया था, ज्यादा दिन हुआ भी नहीं है कि ऐसा ज्यादा हो गया। अब ईल को मैं ट्राई करता हूं उठाने में। सो गाइस ईल उठ चुका है। ईल ज्यादा कूदता नहीं क्योंकि ईल तो वैसे ही बालू में रहता है, बालू में रहना ही पसंद करता है। देखिए ईल आ गया है। अब चलिए नेक्स्ट ऑस्कर को मैं ट्राई करता हूँ या फिर शार्क का, और कुछ ऐसा नहीं है और रेड टेल कैटफिश है मेरा। तो पहले ऑस्कर लोग को ट्राई कर लेता हूं। देखिए गाइस आप लोग उधर कूदना भी शुरू कर दिया। चलिए मेरा एक ऑस्कर उठ गया। चलिए इसे भी दे देता हूं। देखिए चला गया। और 2 है, एक शार्क है और एक रेड टेल कैटफिश है। तो ये रेड टेल कैटफिश को उठाना मेन बात है। तो चलिए पहले शार्क को उठा लेता हूं। शार्क भी थोड़ा बहुत कूद रहा है, शार्क एकदम छोटा लाया था। देखिए गाइस ऑस्कर को देखिए, प्रेडेटर किसको बोलते हैं देखिए। और इस रेड टेल कैटफिश को छोड़ूंगा तो क्या होगा, इधर बवाल लग जाएगा। चलिए उसे भी छोड़ ही देता हूं। चलिए ट्राई करता हूं उसे। गाइस क्या कर रहा है ऑस्कर, देखिए गाइस। देखिए आरटीसी मेरा उठ चुका है। बाप रे कितना वेट है गाइस, देखिए पूरा कूद रहा है आरटीसी। चलिए इसे इधर रिलीज कर देता हूँ, ज्यादा इसे हर्ट नहीं करूंगा क्योंकि कुछ दिन पहले बीमार हो गया था। चलिए एक मग और पानी दे देता हूँ, नहीं तो बहुत ही कूद रहा है ये लोग। तो चलिए दे देता हूँ। चलिए 1 मग हो गया और नहीं पानी देना, नहीं तो कूद के बाहर ही आ जाएगा। अब ये पूरा पानी लेके नया टैंक में डाल देना है। तो चलिए नया टैंक के पास जाता हूं, पर जाने का टाइम में वीडियो नहीं कर सकते, इतना कूद रहा है ना। तो चलिए उसके पास जाता है, उसके बाद मैं आपको पोर करना दिखाऊंगा। सो गाइस पूरा टैंक में बाद में दिखाऊंगा। ये लोग बहुत ही कूद रहा है। ये देखिए मेरा मॉन्स्टर लोग इतना कूद रहा है ना। ये टैंक है मेरा, पहले छोड़ देता हूँ उसके बाद पूरा टैंक डिटेल्स में बताता हूँ। तो पहला ये पूरा पानी लेके इसमें दे दूंगा। तो चलिए इसे कर लेता हूँ, थोड़ा धीरे धीरे करना होगा आप लोग को। देखिए गाइस क्या मतलब कर रहा है ये मॉन्स्टर लोग, देखिए चला गया है सब मॉन्स्टर्स। तो चलिए अब जो है मैं टैंक डिटेल्स आप लोग को बता देता हूँ। ये पीच बोर्ड दे के रखा हो क्योंकि थोड़ा गार्ड होगा, धूप से डायरेक्ट धूप आता है एलगी लग जाएगा, फिर भी प्ले को कुछ दिक्कत होगा नहीं। ये जो टैंक है इसका साइज है पहले भी बोला 4x2x2 विथ 8mm ग्लास। देखिए इसमें अर्जेंटली ट्रांसफर करना था। यह है मेरा फुल टैंक और उधर मेरा लॉबस्टर है। लॉबस्टर का सेटअप तो बाद में मैं बोला दिखाऊंगा, पर इधर देखिए मेरा आरटीसी चला गया उस कोने में। देखिए धूप आ रहा है इसलिए इसे मैं दे देता हूँ कवर ताकि धूप ना आए। तो ऊपर से मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए मेरा आरटीसी और इधर से है मेरा ऑस्कर्स और ईल और शार्क। वैसे कोई दिक्कत होगा नहीं, बहुत बड़ा टैंक अभी स्ट्रेस में रहेगा पर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सो गाइस ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है मेरा नया मॉन्स्टर टैंक में ट्रांसफर फिश लोग का, तो ये वीडियो को एक लाइक कर देना। लाइक के बिना कहीं मत जाना, चैनल पर भी नहीं होता सब्सक्राइब भी कर देना ताकि ऐसा और भी वीडियोस इन फ्यूचर आप लोग देख पाए इसी चैनल में। चलिए गाइस आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।